लाल सागर में दहशत का दूसरा नाम है हूती। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों की नाक में दम कर रखा है। यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाला हूती विद्रोही दरअसल ईरान समर्थित यमन का वो शिया ग्रुप है जिसके बागी लड़ाकों को ईरान की IRGC से जंग की तकनीक, असले और ट्रेनिंग दी गई है। अब हूती हत्ते से उखड़ गया है। हूती सिर्फ लाल सागर पर मिसाइल हमले करने वाला गुट ही नहीं रहा, बल्कि वो जमीन पर भी हमास और हिजबुल्ला की तरह नई ताकत बन चुका है। हूती को लेकर एक नई सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। अफ्रीकी देश यमन में अब हूती ने जमीन के भीतर भी अपनी सैन्य ताकत को फैला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। हूती ने अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हमास और हिजबुल्ला की तर्ज पर तैयार किया है, यानी कि जमीन के भीतर सुरंगों को लेकर एक नया सिकंदर यमन में भी तैयार हो गया है। इस रिपोर्ट ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। हाल ही में यमन में हूती विद्रोहियों की एक सुरंग का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों ने बताया कि वो किस तरह से सुरंग को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं और उनके युद्ध कौशल की रणनीति में सुरंग भी एक बड़ा हथियार बन चुकी है। सैटेलाइट इमेज से यह खुलासा हुआ कि यमन में सऊदी अरब के बॉर्डर से सटे सादा प्रांत इलाके में अंसार अल्लाह ने सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया है। सुरंगों का यह जाल सऊदी अरब की सीमा के सीने तक है। साफ है कि इन सुरंगों के जरिए हूती विद्रोही कुछ बड़ा करने की फिराक में है। हालांकि 25 साल पहले ही यमन में पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले के शासनकाल में सुरंगों पर काम होना शुरू हो गया था, लेकिन बाद में जब साल 2012 में यमन में विद्रोह भड़का तो अंसार अल्लाह के लड़ाकों ने सुरंगों के जरिए ही यमन की सेना को खदेड़ने का काम किया था। अब आपको पहले ये बताते हैं कि हूती विद्रोहियों का नाम अंसार अल्लाह क्यों पड़ा और आखिर ये वजूद में कैसे आया। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद ग्रुप है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। इस संगठन का नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है, जो कि खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते थे। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद हूती विद्रोहियों के विरोध के चलते इसने काफी सुर्खियां बटोरी। हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था कि अमेरिका और इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की जीत हो। इसके बाद हूती विद्रोही गुट के संस्थापक हुसैन अल हूती ने खुद को हमास और हिजबुल्ला के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। साल 2014 में हूती राजनीतिक रूप से काफी मजबूत होते चले गए और उन्होंने यमन के राष्ट्रपति हादी को मुल्क छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। देखते ही देखते यमन के उत्तर में हूती सादा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैन्य दखल करते हुए हूती विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। सऊदी अरब ने यमन में जोरदार हमले किए जिनका हूती विद्रोहियों ने सामना किया, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और इलाके में अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा। साल 2017 में हूती विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले की हत्या कर दी। सऊदी अरब से दुश्मनी की वजह से हूती खुद को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं। हूती विद्रोहियों को सैन्य तकनीक, ट्रेनिंग और हथियार देने के पीछे लेबनान के शिया गुट हिजबुल्ला का भी बड़ा हाथ माना जाता है। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के मुताबिक हिजबुल्ला साल 2014 से हूती विद्रोहियों को बड़े पैमाने पर मिलिट्री और अटैक की स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। हाल में लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों ने सबको चौंका कर रख दिया। अमेरिका और सऊदी अरब का दावा है कि हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। साल 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसके अलावा हूती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइलें दाग चुके हैं और उन्होंने UAE को भी निशाना बनाया है।
इसके अलावा सऊदी अरब ने ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइलें और ड्रोन्स देने का आरोप भी लगाया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल के हमले के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हूती विद्रोही इसराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। रफा और गाजा पट्टी में इजरायली हमले से भड़के हूती विद्रोही हिंद महासागर और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुताबिक 2010 तक हूती विद्रोहियों के पास 1.5 लाख लड़ाके थे, लेकिन अब 14 साल में हूती बहुत ही ताकतवर बन चुका है। हूती लाल सागर के एक बड़े तटीय इलाके पर नियंत्रण रखते हैं, यहीं से वे जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल नवंबर के बाद से ही लाल सागर, बाबल मंदेप स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। हमास और हिजबुल्ला के बाद हूती ने भी इसराइल के खिलाफ हमलों की कमान संभाल रखी है। 8 महीनों के बाद भी इसराइल गाजा में हमास की सुरंगों से पार नहीं पा सका है। सुरंगों में पानी भरने के दावों के बावजूद वो हमास की सुरंगों का नेटवर्क खंगाल नहीं सका है। तो वहीं लेबनान में हिजबुल्ला की सुरंगें सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन के भीतर दौड़ती हैं। यहां तक कि ये सुरंगें इसराइल के भीतर तक पहुंच चुकी हैं। हिजबुल्ला का कोई भी लड़ाका कंधे से रॉकेट लॉन्चर रखकर आसानी से इसराइल पर रॉकेट फायर कर सुरंगों के रास्ते गायब हो सकता है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। उत्तरी गाजा के जबालिया शहर में जमीन के नीचे एक इतनी बड़ी सुरंग का पता चला जो कि 4 किलोमीटर लंबी थी और इसराइल के इरेज बॉर्डर के भीतर 400 मीटर तक पहुंची हुई थी। ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि इसके भीतर मोटरसाइकिलें आसानी से चलाई जा सकती थी। दावा किया जाता है कि 7 अक्टूबर में इसराइल पर हुए हमास के हमलों में इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया गया होगा। बहरहाल गाजा की सुरंगों की कहानी अब इतिहास है और हिजबुल्ला की सुरंगें वर्तमान हैं। तो हूती की सुरंगें अब अमेरिका और इसराइल के लिए नई चुनौतियां हैं, क्योंकि जमीन के भीतर जंग की बड़ी तैयारी पूरी हो चुकी है।